अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आपको ईफा ट्रस्ट का सेंटर मैं दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और बेसिकली आज हिपा ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बेसिकली जो आपको वीडियो में थोड़ा बहुत दिखाया है, ये बेसिकली हमारा एक्सीलेंस रीहैब सेंटर है। हिपा ट्रस्ट का सबसे पहला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में सबसे जो मेन थीम था हमारा, लास्ट 12 ईयर से आई एम फिजियोथेरेपी में मेरी सर्विसेज हैं और मैंने ये फील किया है कि पोअर पेशेंट है, अगर वो खुदा ना खास्ता उसको फालेज लकवा या किसी और किस्म का स्ट्रोक वगैरह का इशू हो जाता है तो उसके लिए डेली की बेसिस पे 1000-1500 देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पे हिपा ट्रस्ट का सबसे पहला जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है एक्सीलेंस फिजियो सेंटर रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम से किया है। यहाँ पे फालेज लकवा स्ट्रोक और कोई भी मोड़ों में दर्द वगैरह या किसी किस्म का भी पेन है बॉडी में उसका टोटली फ्री इलाज होता है यहाँ पे। इसके अलावा जो माजूर बच्चे हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी का। और इसके अलावा जो आर्टिफिशियल लिम्स है, अगर किसी की टांगे बाजू नहीं है तो उसको आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह लगाना, ये भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे होता है। इन द मीनवाइल अभी क्योंकि आजकल कोरोना का भी सिलसिला चला हुआ है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, तो फिर हमें ये ख्याल आया कि ये तो हमारा सिस्टम एक चल रहा है हेल्थ का, साथ साथ हम क्यों ना सोशली भी गैदरिंग करें। तो अभी हिपा ट्रस्ट ने बेसिकली यहाँ पे लॉकडाउन की सूरत में जो दिहाड़ीदार तबके है उन तक राशन पहुँचाने का भी काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। हमें इस मेडिकल हेल्थ और सोशल इश्यूज पे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिपा ट्रस्ट का साथ दें ताकि हम सब लोग मिलकर मुआशरे में एक बेहतर जगह बनाएं। जज़ाकल्लाह।